तेरी आंखों ने अरे वाह वाह लूटा है मुझको, जीत के मैं तो हो गई हार। क्या गाना आपके घर में ये जंग चल रही है ना आजकल? तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो हो गई हार। ओ बेवफा, क्या कहने, तू ही बता कैसे भुला दूं तेरा प्यार। आपको भी इसकी दाद और ज़ुल्फ़िकार अली साहब को दे, क्या सुपर। और यकीनन मेरे ख्याल में संगीता साहबा को भी, बिल्कुल बिल्कुल, सारे जो उससे जुड़े थे उन सबको इसका अपनी अपनी जगह क्रेडिट जाएगा, मगर आपने जो गाया है वो तो लाजवाब, लाजवाब। इतना कमर्शियल गाना, इतना आवामी गाना, इतने नीम क्लासिकल अंदाज में, यहाँ से अंदाजा होता है कि आपने माशाल्लाह शायर रहे हैं। तो यार दुआ है सब कुछ चीजों जी, बढ़ते हैं दोबारा जबरदस्त पब्लिक की तरफ। शाजिया मंजूर से एक सवाल है, जैसे आप सेट पर कभी गिरी हैं, वैसे आप घर पे कभी गिरी हैं क्या? हेलो, वो आपको गिरना बहुत मशहूर हुआ। मैं नहीं मरी, मैं तो बहुत डिगनी। अच्छा, हाँ जी, तो क्या स्लिप हो जाती? मैं नहीं, मेरा ना दिमाग जो है ना वो कहीं ना कहीं म्यूजिक में घुसा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं कभी अनबैलेंस हो जाती हूँ, कभी गिर जाती हूँ, कभी मुझे चोट। अभी मैं जली गाते 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 कैसे जली? मैं गाना गा रही थी और मुझे अचानक से याद आया कि मैंने चाय पीनी है, तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा था। हाँ। तो मैं कहा चल चाय बनाने हैं। हाँ। तो चाय बनाते बनाते मैं जो बत्तियां बुझाया, मैं कहा अच्छा इन्ना नहीं गावांगी, चुल्ला हजूर तुहाड़े को माफी, तुसी मैनू बुरा मनाया, अग दे अग्गे नहीं गाना गाईदा। की सुनाई दे थोड़ा सा। फजर वेले तो रामा वेखा, पा देनिया शामा, अर्जा कर दी थक गईयां मैं, सोने वांग गोलाम आज जेल चु बार विचों विच रमा सड़दी वे, विचों विच रमा सड़दी जी में सड़दी कड़ाई विच रेत में पानिया दे में ना दिल वाला चलो। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां डांस करके दीवे दीवा बड़े सारी रात मेरे आहानिया दीवा बड़े सारी रात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप जी जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली शाजिया मंजूर साहबा। शाजिया, हमारे सेगमेंट का नाम है कथारसिस। एक भरपूर जिंदगी आपने गुजारी, शोहरत आपने देखी बेपनाह, कोई ऐसा ख्वाब जो आप समझती हैं पूरा ना हो सका उस जिंदगी में, जो कसक रहती है कि यार ये नहीं हो सका? तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे कभी मेहदी हसन साहब के साथ ड्यूट गाने का मौका मिले। एक मेरी ख्वाहिश थी मुनीर सेन साहब के साथ, वो मैंने गा दिया। अच्छा जी। एक प्रोग्राम हुआ था म्यूजिक चैलेंज के बाद संगम। हाँ। तो वंजली वालड़िया, हाँ, उनके साथ मैंने गाया। एक मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मादाम नूर जहाँ जी के साथ मौका मिलता, या उसके बाद मेरी जो ख्वाहिश थी, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फैन, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुझे एक तो उनके साथ गाने का मौका मिले और मुझे वो कंपोजर्स मिले। बेटा दिल की सागर रोए, जैसे ये हो, फिर जिस दिन से पिया दिल ले गए, यानी मेरा दिल करता है कि काश उस दौर में मैं होती, उस एरा में मैं होती और मुझे इन लोगों से मुस्तफीद होने की। कोई गिल्ट जिंदगी में, कोई ऐसी गलती हुई हो जो आप समझती हैं कि? सबसे बड़ा गिल्ट जो इंसान की, आप जब आगे आगे आप बढ़ते जाते हैं ना जिंदगी में, तो आप बहुत सारे लोगों पर एतमाद भी कर लेते हैं और हालांकि वो एतमाद के काबिल नहीं होते। अच्छा, ये फरमाइए कि आपकी ज़िंदगी का मुड़ के देखें तो फौरी तौर पे, या जो लम्हा तमाम खुशियों पे हावी हो, सबसे पुरमुसर्रत लम्हा? जिस दिन मैंने पहला गाना गाया था फिल्म का। और वो कौन सा था? वो था उमर शरीफ साहब का, वजाहत अत्तर साहब की मौसीकी में
मिश्री की डली हूँ मैं, शोलों में पली हूँ मैं, हंजर में चली हूँ मैं, दिल रुबा दिल रुबा। ये गाना था। ये बात जो शाजिया मंजूर को आज भी रुला देती है, आंसू जब करना मुश्किल हो जाता है, जज्बाती हो जाती है। मेरी वालदा को इस दुनिया से जाना 2019 में, जिस दिन अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, जिस दिन उनकी डेथ होनी थी, उससे बिल्कुल एक दिन पहले मेरी अम्मी और मेरे दरमियान ताल्लुक इस तरह का था, वो शायद थी, मैं भी शायद थी उनके साथ, तो वालिद साहब के साथ मेरा था, लेकिन अम्मी ज़रा सख्त थी तबीयत में, तो हम ना गले मिलते थे, वो गपशप लगाते थे, इन्जॉय करते थे, मैं उनको छेड़ती थी, मुझे छेड़ती, तो उस दिन मुझे कहती हैं यार तू उठ के गले नहीं मिलना। अरे अचानक मैंने कहा, अच्छा उनका नाम था अजरा, तो मैं उनको जब मुझे ना उनके साथ ज़रा छेड़ा छाड़ी करनी होती तो मैं कहती अजरा बानो खैरियत, आज बड़ा गले मिलने का कहा जा रहा है, चल उठ। एक्चुअली वी नो कि एवरीबडी नो उसके क्या होने वाला है, क्योंकि ब्रेन हैमरेज हुआ था उनको। ओ, उसके बाद तो डॉक्टर ने मुझे कहा था अगर उनको तुम उनके साथ उनकी खिदमत करना चाहते जितना वक्त गुजारे उनको घर ले जाया। तो मुझे कहते जप्पी तो पा, अच्छा मैंने गले लगी, वो आई शर्मीला सा माहौल था, मुझे कहते आज खुल के जप्पी डाल मुझे, तो वो जो एक लम्हा था ना, तो मुझे बड़े जोर से उन्होंने गले लगाया और प्यार दिया, दुआएं दी, सर चूमा, तो कहते चल दफा हो बैठ जा। मैं कहा ये क्या जेस्चर है, तो कहते बैठ जा बैठ जा। उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि आई एम अबाउट टू लीव, तो बहरहाल वो मुझे हमेशा रुलाते थे। ये झिझक क्यों होती है बाज़ुकात औलाद और माँ बाप के, जब क्यों अपने माँ बाप, मैं बताती हूँ, हम हमारे यहाँ पर जब फैमिली में सिस्टम होता है ना, तो एवं हाय बड़ा गोदी चुक दी बच्चे नु, बड़ी पीठी, बड़ी करोड़ बच्ची ऐसी ब्याह के लिए आए हैं, ये बहुत गोदी चुक दी अपने बच्चे, वहाँ से शुरू होता है ये हमारे कल्चर में है, ये हमारे कल्चर में अभी तक है। अरे माँ ने ज़्यादा पपियाँ ले लिया ना, हाय ते बस भी कर, बच्चा पकरोड़ हो जाता है। किस मौके पे सबसे ज़्यादा याद आती है, ये याद आई आपको? मैं जब देखती हूँ दुनिया को, किसी के साथ बात करती हूँ, या मेरा कोई क्लोज सर्कल है, जब मैं सो देखती हूँ कि नाज नखरे जो माँ उठा सकती है, हाय हाय वो कोई और नहीं उठा सकता। कोई बात शाजिया जो आपने झिझक का भी जिक्र किया, और ये गैर मामूली बात है कि माँ और बेटियों के दरमियान भी कोई झिझक या हिजाब हो किसी वजह से, तो और ये देखें ना, इससे भी लोगों को अंदाज़ा होगा कि छोटी छोटी बातें हम जब करते हैं किसी के बारे में, तो उनकी ज़िंदगियों पे कितने उसके असरात होते हैं। आप तो ये देखिए कि गुरेज करना चाहिए। आपकी बात बड़ी हो और इसको आगे बढ़ाती हूँ, जैसे हम बहुत सारी अपनी बातें अपनी फ्रेंड्स के साथ जी माँ बाप के साथ नहीं करते, क्यों नहीं करते, हमें करनी चाहिए, करनी चाहिए, हमें अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करनी चाहिए जो इसका हल निकाल सकते हैं, ना कि वो जो हमें मजीद प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। आपके अच्छे दोस्त भी होंगे, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त वो है जिसने आपको पैदा किया है, जिसकी गोद में से आप निकल के आए हैं, मुर्शिद है आपका। क्या कहें, कोई बात जो शाजिया आप अपनी वालदा से वालिद से कहना चाहती हो, किसी वजह से रह गई हो, चूँकि वो दुनिया में नहीं, वालिद सब दुनिया में हैं, मगर झिझक की वजह से किसी वजह से ना कह पाई हो, आप हैं कैमरा है, वालिद साहब देख और सुन रहे हैं, वालदा भी कहीं देख, बिल्कुल बेशक इसी दुनिया में है, कह सकती। मेरे जो वालिद हैं मंजूर और मलिक मंजूर साहब, उनको मैं डैडी बोलती हूँ प्यार से, डैडी अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत कई दफ़ा उनकी तबीयत आपकी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो जब से वालदा की डेथ हुई आप लाहौर आते नहीं हो, तो मैं ही आती हूँ आपके पास आ जाऊँ तो या फ़ोन पर रबता हो जाता है, तो खुदा रहा एक तो ये आदत छोड़े, मैं यहाँ पर बहुत तनहा बाज़ुकात आपके बगैर महसूस करती हूँ, अम्मी के जाने के बाद स्पेशली। और मैं आपसे ज़िंदगी में ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको कहीं लगा हो कि मैंने आपकी हुक्मदुली की है या मैंने आपके कहने के मुताबिक नहीं चला, तो मैं अभी से आपसे माफ़ी मांगती हूँ इस ज़िंदगी में। और ये बात मैंने अपनी वालदा को भी कही थी, तो अम्मी जान को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि लबदा फिरेगा पिछू मिट्टी दिया टेरिया सोनिया वे केड़ी गले नजरानी
फेरियां दिल नू मनाइयां सा सबे गल्लां तेरियां वैरी आवे केड़ी गल्ले आई लव यू एंड आई मिस यू मां मेरी अम्मी जान जी थी वो और मैं वाहिद थी जो घर में उनको अम्मी जान जी बुलाते थे तो सब मुझे मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि सर बहन बेट भी लगा ले तो उनको बड़ा प्यारा लगता था जब मैं अम्मी जान जी कहती थी बस जल्दी छोड़ के चले बहुत जल्दी